What's up everyone? आज सुबह की शुरुआत हुई है बहुत ही सुहावनी because मैं थोड़ा सा लेट उठा हूँ एंड ये ऑफिस के लिए लेट हो गई है। हाँ हाँ आज सुबह हमारी नींद खुली है बहुत ज्यादा लाउड बीपिंग से। आपको इसका रीजन अभी बताता हूँ मैं। ये है एक प्रीपेड मीटर। प्रीपेड मीटर में आपको महीने के स्टार्टिंग में या फिर जब आपका मन करे रिचार्ज कराना होता है एंड उस रिचार्ज के हिसाब से आपके पैसे कटते रहते हैं आपकी बिजली के और आपकी मेंटेनेंस के। तो हम महीने की स्टार्टिंग में बहुत सारा रिचार्ज करा लेते हैं बट अब नया महीना स्टार्ट हो चुका है एंड हम भूल चुके थे कि इसको रिचार्ज भी कराना होता है बिकॉज वी फॉरगेट आवर ट्रबल्स। बट आज इसने हमें हमारे ट्रबल्स याद दिला दिए। सुबह सुबह बीप 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 एंड इट इज़ द मोस्ट इरिटेटिंग बीप एवर। मैं जब बाद में उठा हूँ तब भी मेरे कान में बीप बीप बज रही थी एंड आई वॉज स्टंड। मुझे लगा यार अभी तक बंद नहीं हुआ। हमारा खुद का ही बजने लग गया and I was like, oh no, it is us also. Yes. मतलब कोई और भी सोच रहा होगा वो किसी का कट गया। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था मेरा हैंड हेल्ड ट्राईपॉड टूट गया है और जो मेरे पास बैकअप गोरिल्ला ट्राईपॉड है वो काफी फ्लिमजी है तो इस पे कैमरा घूमने लगता है। आई थिंक मुझे इन्हें एल्फी से फिक्स करना चाहिए बिकॉज एल्फी सब जोड़ देती है। भाई भाई मेरी चप्पल टूट गई। ओ अच्छा एल्फी लगा ले। ठीक है भाई भाई मेरा ट्राईपॉड टूट गया। ओ अच्छा एल्फी लगा ले। ठीक है भाई मेरा दिल टूट गया। ओ अच्छा एल्फी लगा ले। ठीक है घर पे एल्फी नहीं है तो मैं पास की दुकान तक जा रहा हूँ। बाहर तो काफी धूप है टोपी पहन लेता हूँ। एलपी तो ले ली है मैंने घर जाके ट्राईपॉड जोड़ने की बारी है। कटे थोड़े ज्यादा होते हैं नहीं आसपास भी देखना पड़ता है। भाई बहुत ज्यादा गर्मी और इंडियन रोड्स पे स्केटबोर्ड चलाना तो बहुत मुश्किल है बट मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए मैं चलाता ही रहूंगा। अब बारी है ट्राईपॉड फिक्स करने की। लेट्स डू इट। ट्राईपॉड तो फिक्स हो गया लेकिन अब मुझे तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि मुझे बाहर जाना है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मैं काम कर रहा था एंड मैं अपनी मीटिंग के लिए भी बहुत लेट हो चुका हूँ। बट नाउ शूटिंग्स कंप्लीट सो नाउ वी कैन ईट एंड देन वी कैन लीट। खाना खा के मैं निकल गया हूँ घर से और साथ में मैंने ले लिए अपनी ये नोटबुक फॉर एनी मीटिंग नोट्स। मैं अपने दोस्त के घर तो पहुँच गया हूँ लेकिन मुझे गाड़ी में वेट करना पड़ रहा है बिकॉज अपेरेंटली वो नहा रहा है एंड इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा रहा है एंड अगर वो फ़ोन नहीं उठाएगा तो वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा। तो आई एम जस्ट सिट इन एंड वेट इन एंड सिट इन एंड वेट इन एंड सिट इन। देख माइथोलॉजी में क्या कहते हैं जो सबसे ऊपर है देवी देवताओं में वो तीन है। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। मतलब कुछ ऊपर है ब्रह्मा इज ब्रह्मांड।
विष्णु का मतलब ब्रह्मांड इज जस्ट लाइक जो निकल के आता है वो यही निकल के आता है कि पालन करता है जो चलाता है संचालन करने वाला। मैं और आशु काफ़ी देर से चर्चा कर रहे हैं एंड काफ़ी डीप डिस्कशंस हुए हैं हमारे, काफ़ी नॉलेजेबल नॉलेज एक्सचेंज हुआ है। आशु ने काफ़ी कुछ इम्पार्ट किया है मेरे को जो मैंने अपनी नोटबुक में लिख लिया है, अब घर जाके मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा अपनी लाइफ में। वैसे दिस इज़ आशु, कल भी ये मिला था आपको एंड ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है एंड वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर। बट अब घर जाने का टाइम हो गया है बिकॉज वहाँ पे मेरा जानू इंतजार कर रही है, तो लेट्स गो। ओके आशु, बहुत अच्छा लगा मिलके, बाय। डिनर का टाइम हो रहा है एंड अभी मैंने मस्त अंडा रैप बनाया है, मतलब रैप नहीं अंडा टाकोस बनाए हैं विद चीज़ फिलिंग और बहुत मस्त होने वाला है, मतलब मेरे हिसाब से बहुत मस्त होने वाला है, देखते हैं जानू को कैसा लगता है। हमने अंडा रैप खा लिया जो कि बहुत टेस्टी बना था एंड बहुत मज़ा आया हमें खा के। अब सोने का टाइम हो गया है तो आपसे कल मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। Ha 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 ha